बिहार में नीतीश कुमार से बीजेपी की सुलह सफाई हो गई है, इसलिए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर ही लड़ेगी। और लगे हाथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लपेटा। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष सोच रहा है वैसा कुछ होने वाला नहीं है। असल में केंद्र में मोदी की नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही नीतीश कुमार के रिश्तों में तलखी आ गई थी। नीतीश ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने से ये कहकर मना कर दिया कि प्रतीकात्मक भागीदारी हमें नहीं करनी है। इसके बाद से ही बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्तों में दरार पड़ गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी भी की। दोनों पार्टियों के बीच दूरी तब ज्यादा बढ़ गई जब जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को चुनाव लड़वाने बंगाल गए। मामला बढ़ा तो नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने भी इस दौरान दूसरे विकल्पों पर विचार किया और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो एनडीए में ही बने रहने की तैयारी कर ली। इसलिए आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सुशील कुमार मोदी के बयान पर तंज भी कसा कि अब आगे देखिए होता है क्या। लेकिन सुशील मोदी के बयान से लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन कितना ठीक है ये नीतीश कुमार और बीजेपी को ज्यादा पता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।